हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। न्यू पेपर पैटर्न यहाँ पे 12th के लिए आया हुआ है। चलिए एक उसको वन बाय वन एकदम बेसिक से देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इवैल्यूएशन स्कीम स्टैंडर्ड 12th लिखा हुआ है। इसमें टर्मिनल एग्जामिनेशन 50 मार्क्स के लिए होंगे। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम इसमें दो पार्ट है, एक रिटन एग्ज़ाम होगा, एक एप्लीकेशन बेस होगा 80-20। और जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा इसमें भी दो है, रिटर्न एग्ज़ाम और एप्लीकेशन 80 और 20 मार्क्स के लिए। इंटरनल असेसमेंट यहाँ पे दिया गया, मतलब जो भी आपके इंटरनल पार्ट होंगे उसके बेस पे आपका एप्लीकेशन टेस्ट होगा। तो आप इंटरनल यानी कि जो कॉलेज के पार्ट है उसमें पार्टिसिपेट करो, कॉलेज के लेक्चर अटेंड करो। फाइनल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द बोर्ड एग्ज़ाम। और जो भी आपके 80 मार्क्स में से जो आपको मिलेंगे वो आपको काउंट किया जाएगा। आते हैं अभी इम्पोर्टेंस नोट्स में। इवैल्यूएशन स्कीम स्टैंडर्ड 12 इज टू बीन इम्प्लीमेंटेड एज पर द जी आर इशू बाई द स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डेट 8 August 2019। रिकॉर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन शुड बी प्रिजर्व एज पर गाइडलाइन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। यानी कि जो भी पेपर पैटर्न ये बनाया गया है ये बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है, बहुत ही एक डिसीजन लेके बनाया गया, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि 25% आपके सिलेबस भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। टर्मिनल एग्जामिनेशन में आते, फर्स्ट टर्म 50 मार्क्स के लिए है। टाइम अलॉटेड विल बी टू आवर्स एंड 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर शुड बी बेस्ड ऑन द अराउंड 50% पोर्शन। ठीक है, जो भी आपके 50% पोर्शन होंगे वो आपको टर्मिनल एग्जाम में कंसिडर किए जाएंगे। आते हैं अभी नेक्स्ट वन, टर्मिनल पेपर पैटर्न कैसे होगा 50 मार्क्स का 2.5 आवर्स में। क्वेश्चन नंबर वन दिए जाएंगे, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दो ऑप्शन है तीन ऑप्शन है ए बी सी। ए आपका 4 मार्क्स के लिए होगा, इसमें एग्री होगा, ठीक है, डू यू एग्री और नॉट एग्री। और उसके बाद है आंसर इन वन सेंटेंस ओनली, ये भी 4 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको पूरा कंपल्सरी अटेंड करना है। क्वेश्चन नंबर सी में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, रीराइट द सेंटेंस। यानी कि MCQ टाइप में होंगे, 4 अटेंड करने 4 मार्क्स के लिए दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन में 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर टू में 4 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे आपको बोला अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो ये फर्स्ट चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन वाला। तो याद रखिए अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, ये 11th के टेक्स्ट बुक में भी था। नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। पिछले साल ये 15 मार्क्स के लिए आते थे लेकिन अब 12 मार्क्स कर दिए गए। नेक्स्ट वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न 12 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर फोर एडमिशन रिटायर, दोनों में से कोई एक अटेंड करना है 10 मार्क्स के लिए, याद रखिए एडमिशन और रिटायर में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। तो ये हो गया आपके टर्मिनल एग्जाम के पार्ट जो आपके 50 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पेपर, ये 20 मार्क्स के लिए और 1 आवर्स दिया जाएगा इसमें। चलिए इसके अंदर अभी आपको क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन में भी 3 ऑप्शन है आपके पास, एक तो फर्स्ट वन है ट्रू फॉल्स, टू स्टेटमेंट, ठीक है, 2.5 मार्क्स का होगा, मतलब कोई 2 अटेंड करने होंगे आपको तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। बी पार्ट है इसके अंदर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस, ये भी 5 मार्क्स के लिए। आपको कैलकुलेट द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, फिर 5 मार्क्स के लिए यहाँ पे भी है। एंड क्वेश्चन नंबर टू में आपको दिया गया प्रिपेयर्ड स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 5 मार्क्स के लिए आते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट। ओके, यहाँ पे नीचे आपको कुछ पॉइंट लिखे हुए, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। आते हैं अभी नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया गया है प्रपोज क्वेश्चन पेपर पैटर्न, देखिए जो आपके 80 मार्क्स के लिए आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर वन में आपको यहाँ पे लिखा है कि कोई भी 4 आपको अटेंड करने हैं, ठीक है, तो मतलब आपको कोई 4 ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको जे पॉइंट तक पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो 4 क्वेश्चन होंगे वो आपके 5-5 मार्क्स के लिए आएंगे, टोटल आपके हो जाएंगे 20 मार्क्स विदाउट ऑप्शन और विथ ऑप्शन, मतलब आपको कोई 4 ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर टू, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग,
एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। 10 मार्क्स के लिए यहाँ पे आएगा, ठीक है, विदाउट ऑप्शन 10 मार्क्स है, विद ऑप्शन 20 मार्क्स है। एनी टू प्रॉब्लम विल बी आस्क, ठीक है, तो कोई भी दो प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं आपको। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, एडमिशन, रिटायर, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज। 10 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है, और विदाउट ऑप्शन 10 मार्क्स, विद ऑप्शन 20 मार्क्स। एनी टू रिमेनिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 विल बी आस्क, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में से जो भी बचेगा वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाएगा। आधे क्वेश्चन नंबर 4 पे सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे बोला हुआ है आपको एनी टू प्रॉब्लम विल बी आस्क, डेट ऑफ पार्टनर्स, इशू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग। 8 मार्क्स के लिए आएंगे, विथ ऑप्शन 16 मार्क्स है, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स है। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 5, डेट ऑफ पार्टनर्स, इशू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग। जो क्वेश्चन नंबर 4 में से बचेंगे वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे। 6 पे दिया गया है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, 12 मार्क्स के लिए आएंगे, ऑप्शन के साथ 24 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइनल अकाउंट है, 12 मार्क्स के लिए, ऑप्शन के साथ 24 मार्क्स। आते हैं यहाँ पे प्रपोज क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर 2021 ओनली, यानी कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है। सेम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जैसा अभी मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के लिए, यानी कि पाँच पाँच मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई भी एक सॉल्व करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये दो में से कोई एक आपको सॉल्व करना है, 10 मार्क्स के लिए होगा और ऑप्शन के साथ 20 मार्क्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है, 10 मार्क्स के लिए, ऑप्शन के साथ 20 मार्क्स। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इशू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया 8 मार्क्स के लिए, ऑप्शन के साथ 16 मार्क्स के लिए। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, डेट ऑफ पार्टनर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन के साथ 16 मार्क्स के साथ। प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 12 मार्क्स के लिए आएंगे, इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, पार्टनरशिप है, ऑप्शन के साथ दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन के साथ 24 मार्क्स है और विदाउट ऑप्शन 12 मार्क्स है। तो ये हो गया आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर पैटर्न। आते हैं अभी हम जो आपके चैप्टर दिए गए हैं उसको कैसे वेटेज में डिवाइड किया गया है, क्या क्या उसके मार्क्स दिए गए, कैसे कौन कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स है, ये हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हो, डिवीजन ऑफ मार्क्स एज पर द टाइप ऑफ द क्वेश्चन दिया गया, ऑब्जेक्टिव और प्रॉब्लम दो टाइप के क्वेश्चन दिए गए, 20 मार्क्स, 60 मार्क्स, टोटल हो जाएगा आपका 80 मार्क्स, ऑप्शन के साथ 116 हो जाएगा। ओके, यूनिट वाइज वेटेज यहाँ पे दिया गया, यानी कि जो आपके टोटल चैप्टर दिए गए बीके में, आपको टोटल 10 चैप्टर दिए गए। फर्स्ट चैप्टर आपका 12 मार्क्स के लिए है, ऑब्जेक्टिव उसमें से 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, मतलब टोटल 16 मार्क्स के लिए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है आपका, 12 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 20 मार्क्स के लिए आएंगे। मतलब ये 4 चैप्टर में से आपको 2 चैप्टर सॉल्व करने हैं, आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 8 मार्क्स के लिए टोटल पूछे जाएंगे ये 4 चैप्टर में से। नेक्स्ट वन 7 से लेकर 10 तक आते, इसमें देता ऑफ पार्टनर, कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये 16 मार्क्स के लिए आएंगे। और इसमें कोई 2 चैप्टर सॉल्व करना और एक एक मार्क्स के इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, तो टोटल 4 मार्क्स के इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हो गया आपका यूनिट वाइज वेटेज, तो ये हो गया आपका बीके का पूरा सिलेबस पेपर पैटर्न के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट है या नहीं समझाओ तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।